ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल मेरठ में था, इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन पहले मौसम का हाल जान लेते हैं, क्योंकि दोपहर में अचानक पड़ी मूसलाधार बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल गई। काफी लंबे समय से बारिश की लोग इंतजार कर रहे थे, और इस तरीके की झमाझम बारिश में जहां बच्चे और सभी लोग झूम उठे, वहीं पर नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई, क्योंकि जैसे जैसे आसमान में बादल आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, अचानक बादलों ने अपना मिजाज बदला, उमड़ कर घुमड़ कर बरसना शुरू कर दिया। तेज बारिश के साथ हर कोई इस गर्मी से निजात पाता हुआ नजर आया, और हर कोई यही दुआ मना रहा था कि ये बारिश कम से कम एक दो घंटा तो पड़ती रहे। लेकिन हमारे संवाददाता सोनू शर्मा और शुभ यादव ने लिया बारिश का जायजा। मौसम का मिजाज सुबह से ही सुहाना था, लेकिन अब जाकर बारिश फिर से पड़ने लगी है, और बारिश देख सकते हैं आप बहुत तेज पड़ रही है, और इतनी तेज बारिश है कि मेरा ही मन कर रहा है काश मैं घर पर होती और इस बारिश का मजा ले सकती। देख सकते हैं आप बारिश बहुत तेज पड़ रही है और सभी यहाँ पर इस बारिश का मजा ले रहे हैं। मेरे साथ सनुज हैं, वो आपको आगे के बारे में बताएंगे। बिल्कुल शुभ, आपने सही कहा कि काश मैं भी घर पर होता तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बारिश का मजा ले रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस भीषण गर्मी से इस मूसलाधार बारिश ने काफी राहत देने का काम किया है। लोग जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान एक बार फिर से बारिश करा दे ताकि गर्मी से निजात मिल सके। शुभ, फिर आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है और मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज तो ऐसे लग रहा है कि ये मेघ अभी और बरसेंगे और जमकर बरसेंगे, और इस बार इनका पूरा बरस कर जाने का मूड है, ये नहीं कि ये बस दो चार बूंदाबांदी करके यहाँ से जाने वाले हैं, अब ये पूरे अपने मूड में बरसने वाले हैं। लग रहा है गर्मी से राहत मिली। हाँ, गर्मी से बहुत राहत मिली है, क्या लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो चुके थे, लेकिन अब गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिल रही है और मौसम पूरा चाय पकौड़ी वाला हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जैसा शुभ ने कहा कि चाय पकौड़ी का मौसम है, तो कहीं ना कहीं चाय पकौड़ी हो जाए। हम लोग तो ऑफिस में हैं, आप अगर अपने घर पर हैं तो आप जो पकौड़ी हैं उनका मजा ले सकते हैं, गर्म गर्म चाय की चुस्कियां ले सकते हैं, क्योंकि मौसम है ही ऐसा। हाँ, चीले भी बनवा सकते हैं। शुभ, क्या चीलों का भी प्रोग्राम है घर पे आज? हाँ, चाय पकौड़ी समोसे चीले सब चीजों का प्रोग्राम है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि इन सब चीजों के बिना इस मौसम का मजा नहीं आने वाला है। शुभ, आइसक्रीम तो रह गई। हाँ, आइसक्रीम ऑब्वियसली जब रात को डिनर होगा तो उसके साथ आइसक्रीम कैसे नहीं होगी। तो बिल्कुल सही कहा कि मौसम है ही ऐसा कि सारी जो डिशेज हैं वो होना जरूरी है, और बिना आइसक्रीम के जो बारिश है उसका जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि इसको मौसम को एंजॉय कीजिए, मूसलाधार बारिश में कहीं ना कहीं चाय पकौड़ी का मजा लीजिए, और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से झमाझम दोपहर की बारिश ने लोगों को तरबतर कर दिया, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी हर साल की तरह। नगर निगम के नालों की सफाई को युद्ध स्तर पर साफ करने के लिए अभियान चला हुआ था, पूरी तरीके से नाले साफ नहीं हो पाए हैं। इसका असर ये हुआ कि मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के पुराने इलाके से लेकर नए इलाकों में जल भराव की खबरें आनी शुरू हो गई। बच्चा पार्क पर सिटी सेंटर के सामने जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुढ़ाना गेट पर जल भराव देखा गया, जिमखाना मैदान और उसके आसपास के इलाके में पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। जल भराव की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी तो नगर निगम को लोग कोसने से पीछे नहीं हट रहे थे, कई पुराने इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। यानी कि सिर्फ एक डेढ़ घंटे की बारिश से राहत तो जरूर आई, लेकिन आफत भी आई और नगर निगम के दावे के पोल भी खुल गए। जी, आफत की बात कर रहे हैं मूसलाधार बारिश की वजह से, तो सीताराम हॉस्पिटल के पास आपको लेकर चल रहे हैं, जहां वहां एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। नीम का पेड़ टूट कर सड़क पर आ गिरा, वहां से गुजर रहे कई राहगीरों की जान बाल बाल बच गई। इस पेड़ के नीचे एक मारुति कार, छह बाइकें दब गई। शुक्र ये रहा कि कार में कोई बैठा हुआ नहीं था। अफरा तफरी मच गई, लोग दौड़ पड़े। बारिश रुकने के बाद जिन लोगों की मारुति कार और बाइक थी वो मौके पर पहुंच और जैसे तैसे पेड़ के नीचे से अपनी बाइक बाहर निकाली। पेड़ गिरने में सबसे बड़ा नुकसान तो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर दो तीन सब दब गई, नुकसान हो गया। चार मोटरसाइकिल दबी हुई है, एक हमारी गाड़ी दबी हुई है। वैसे कोई चोट नहीं लगी, बारिश हो रही थी इसलिए सब अपने अपने नीचे दुबक गए थे भीगने से बचने के लिए।
और जो है पेड़ गिरा है, दीवार टूटी है, सारी गाड़ियां दब गई यहाँ पर। वैसे किसी का नुकसान नहीं है, आर्थिक नुकसान जरूर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के बाद काफी गर्मा गर्मी चल रही है, तो कालका डेंटल कॉलेज में कश्मीरी छात्रों ने रविवार को भारत पाकिस्तान मैच के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान पाकिस्तान की जीत के बाद परिसर में खुलकर जश्न मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ये कश्मीरी छात्र देखे गए। यही नहीं, इन छात्र छात्राओं ने फेसबुक और सोशल साइट पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां दर्ज की, जिसमें मसलन बाप तो बाप ही होता है जैसी टिप्पणियां पाकिस्तान को लेकर की गई थी। विश्व हिंदू परिषद को जैसे ये पता लगा तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कालका डेंटल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने वहां हंगामा किया और तुरंत कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने एक तहरीर पुलिस को दी। कॉलेज ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। करीब 3 साल पहले भी सुभारती मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, जिस पर खासा विवाद हुआ था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में कालका डेंटल कॉलेज पहुंचकर कश्मीरी छात्राओं के साथ टकराव की खबर जैसे ही फैली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये कार्यकर्ता कालका डेंटल कॉलेज कश्मीरी छात्रों की फेसबुक पोस्ट की प्रतियां साथ लिए हुए थे, जिनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये कश्मीरी छात्र दिखाई दे रहे थे। इस हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन ने कश्मीरी छात्रों को ईद की छुट्टी पर जाने की बात कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। वहीं इस विवाद के बाद कश्मीरी छात्रों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। हालांकि इन छात्रों ने मीडिया कैमरे के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिसके बाद कश्मीरी छात्रों से सिटी हलचल ने खास बातचीत की। कचहरी पुल के पास SBI बैंक के पास बाइक चोरी करते समय एक चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। पब्लिक ने उसकी जमकर धुनाई की। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक चोर पर हाथ साफ कर रही है। किसी ने बाइक चोर पर थप्पड़ घसीट किए तो किसी ने डंडे से उसकी खबर ली। कचहरी पुल के पास पकड़े गए इस चोर ने SBI बैंक की शाखा पर अपने मामा के साथ आए मोनू की बाइक पर हाथ साफ किया था। SBI बैंक की शाखा पर मोनू नाम का व्यक्ति अपने मामा के साथ अपाचे बाइक से आया था। इसी बीच बैंक के बाहर खड़ी बाइक पर दो चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन चोरों पर सामने बैठे गुलजार मालिक की नजर पड़ गई तो उसने चोर को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई हुई और चोर ने गुलजार के हाथ और पेट पर पेचकस मार दिया, जबकि खुद को घिरा देख कर एक बाइक चोर फरार हो गया। दूसरे बाइक चोर को पब्लिक ने पकड़ कर जमकर धुना। कुछ नहीं होता इनके बैंक भाई भाई हटो भाई हटो सुमारा सुमारा आपको कितना बताया यहाँ पे ये बैठा भाई गाड़ी चला था, मैं सामने देख रहा था, मैं जैसे पकड़े ने मेरे पेच का समझ रहा, एक ये है एक यहाँ पे ये लगे है उंगली में काट है, हाथ अपाई हुई है, चोर है, दो जने थे एक जने भग गया। मैं भाई खड़ी करके अंदर गया बैंक के अंदर अपने मामा जी को लेके, आगे देखा तो मैंने भाई के उसके पेच का समा रखा था, भाई के पेच का समा रखा, मैंने आगे देखा कि बाइक कौन सी है, बाइक देखा मेरी मेरी बाइक लेके देखा, बाइक है अपाची व्हाइट रंग की। सड़क पे चल रहे थे, सामने भैया जो हैं हमारे, इन्हें भैया को देखा तो एक बदमाश पकड़ के मारपिटाई कर रहे थे। मारपिटाई करने के बाद हम रुके तो इन्होंने भैया ने कहा कि भैया जी मोटरसाइकिल चोरी कर रहा, हम इतने पकोचे तो इसने उसने सुएं निकाल लिए, सुएं निकालने के बाद इनके पेट में मारे और हाथ में मारे, वो तो हमने ऐसे पकड़ा है भैया को, पकड़ने के बाद उसने सुआ फेंक दिया और सुआ फेंकने के बाद वो नीचे गिर के पड़ गया, मोटरसाइकिल पकड़ी तो दूसरा लड़का था वो मोटरसाइकिल छोड़ के फौरन भाग गया।